अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 10 अक्टूबर 2019 के बड़ी अपडेट्स देखने वाले। सबसे पहले दोस्तों आप लोग के लिए खुशखबरी और खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों खुशखबरी कौन सी बात की है कि आपका 17% डीए लागू होने के पश्चात शिक्षक इस फार्मूले से निकाले अपना वेतन देख के वेतन का फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, तो वेतन का फार्मूला क्या, आपका पहले बेसिक पे जितना भी होगा दोस्तों 39,000 समथिंग या 40,000 मान लेते हैं, तो 40,000 का दोस्तों 17% और निकालेंगे मतलब 4,000 से या 6,000 समथिंग होगा। उसके बाद दोस्तों आपका एचआरए जो मिलेगा और 87 रुपए उसमें से जीआईएस घटा देंगे तो आपका वेतन पता चल जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सैलरी आपकी बढ़ चुकी है तो एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। देखिए आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिलेगी दोस्तों, जब नौकरी मिलेगी तब तो वेतन बढ़कर ही मिलेगा ना, तो एक अच्छी खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग नौकरी कर रहे होते तो यूपी के राज्य कर्मियों को दिवाली की सौगात मिलेगा 7,000 रुपए तक का बोनस। वित्त विभाग ने कर्मचारियों को बोनस देने की फाइल की तैयार। जी हाँ दोस्तों, ये तो और अच्छी खबर है कि दिवाली पर आपको बोनस भी मिलने वाला है। तो चलिए आज डबल धमाका हो रहा है, बोनस के साथ साथ दोस्तों सैलरी भी बढ़ रही है, तो होता है ना डबल खुशखबरी दोस्तों, इसलिए हमने दो बार भी लिखा है खुशखबरी और खुशखबरी। तो दोस्तों देखिए अगर आपकी शिक्षक भर्ती की सुनवाई अगली 16 अक्टूबर को होने वाली है, और दोस्तों देखिए 16 अक्टूबर को एक अहम सुनवाई, सभी बच्चों को पता है कि उस दिन आपके सरकारी पक्ष या 60% टीम का सबमिशन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों सबमिशन कंप्लीट होने के बाद हमें एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि आगे केस की स्थिति क्या है और किस हिसाब से आगे का केस लड़ा जाएगा। तो दोस्तों काफी चीज उस दिन आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि 16 अक्टूबर को होगा क्या, और फाइनल कटआप दोस्तों जो आप लोग इतने महीनों से या 10 महीने से दोस्तों जिसका आपको इंतजार था वो दोस्तों उस दिन पता चलने वाला है। सिंगल बेंच का भले फैसला 40-45 के साथ है, ठीक है दोस्तों 40-45 की जीत हुई है सिंगल बेंच में, लेकिन दोस्तों डबल बेंच अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, सब कुछ अलग है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि सिंगल बेंच के फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपकी दोस्तों उम्मीद बनेगी कि 60-65 टीम अपना पक्ष अगर मजबूती से रखेगा तो इनकी जीत होना दोस्तों तय है, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे बड़ी अपडेट थी कि यूपी के जो यूपी के कर्मचारी उनको योगी सरकार का एक बड़ा ऑफर है जिसमें 7,000 रुपए तक का बोनस देने की बात कही गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग की भी नौकरी बहुत ही जल्द लगेगी और दोस्तों आप लोग भी इसी तरह बोनस और अच्छी सैलरी का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों देखिए आज की और बड़ी अपडेट्स क्या आ रही है उसको भी देखेंगे। अब गांव में रोज शिक्षक, पंचायत सेक्रेटरी, एएनएम कानून को एक जगह लगाएंगे अपनी हाजिरी। जी हाँ दोस्तों, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में नहीं चलेगा लेट लतीफी का कोई भी बहाना, एक ये भी बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। दूसरी, एनसीईआरटी ने स्कूलों दी मिड डे मील के समय संगीत बजाने की दी है सलाह। परिषद ने पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कई दिशा निर्देश दिए। जी हाँ दोस्तों, तो देख रहे हैं हर जगह आजकल कई नई नई अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तो आपकी सैलरी बढ़ रही है और आपको बोनस भी मिल रहा है, लेकिन बच्चे 69,000 के तो यार राह देखते रह रहे हैं कि क्या होगा। देखिए दोस्तों नई शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए सारी अपडेट्स भी हम लोग पढ़कर देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है, लेकिन दोस्तों जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों नई शिक्षक भर्ती जरूरी होती है। तो न्यू शिक्षक भर्ती, ठीक है, न्यू शिक्षक भर्ती दोस्तों 2020 क्या होगा दोस्तों 2020 में। देखिए सबसे पहले आपका क्राइटेरिया यूपी टेट या सीटेट से शुरू होगा। अभी तक दोस्तों आपका जो नियम था 60 और 40 का, ठीक है दोस्तों 60+40 बराबर होता है आपका 60% यूपी सुपर टेट का, 40% आपका वही इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएशन और आपका बीटीसी या बीएड। तो दोस्तों ये था आपका मेरिट का सिस्टम, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर 60 के तोड़ के दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, पहला होगा आपका एसटेट और दूसरा होगा दोस्तों आपका यूपी टेट या सीटेट, U/C टेट, ठीक है। यूपी टेट या दोस्तों सीटेट रहेगा बराबर आपका बनेगा दोस्तों प्लस 40 और रहेगा बराबर 100%। देखिए दोस्तों इस 40% के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 40% तो इंटर हाई स्कूल में 10-10 तो पहले से लिया जाता है, तो क्या उससे कम करना ये कहीं से भी उचित नहीं होने वाला है कि अगर इसमें और कम कर दिया जाए तो दोस्तों और दिक्कतें होंगी कि जो बच्चे पहले से अपनी मेरिट मेंटेन करते थे वो मतलब करना ही छोड़ देंगे, या तो दोस्तों इसको 50+50+50 किया जा सकता है कि इंटर हाई स्कूल ये सबको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, 50% यूपी टेट 50% सुपर टेट। तो दोस्तों बहुत सी कंडीशंस बन सकती है यूपी टेट आने के बाद। देखिए सभी लोग अपने अपने तर्क देते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कौन सा तर्क सही लगेगा आप लोग खुद कमेंट करके बताएगा कि क्या होना चाहिए। मेन बात है दोस्तों कि आपको नौकरी चाहिए ना,
देखिए नौकरी के लिए दोस्तों कोई क्राइटेरिया इंटर हाई स्कूल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे अगर ये हट जाए तो फायदा होगा, जो बच्चे नकल वकल से या कैसे भी कुछ स्कूल में बच्चे पास हुए हैं तो सबसे बड़ा झटका उनको लगेगा कि यार उन्होंने इतने पैसे वहां खर्च किए हैं कि 90% कैसे बन जाए। 90 तो बन गए लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका पूरा पेपर यूपी टेट ठीक है और दोस्तों या ऑब्लिक में सी टेट कर दें, हम ये ना कंफ्यूज होइएगा कि सिर्फ यूपी टेट से होगा, प्लस का आपका दोस्तों सुपर टेट बराबर 100%। जी हाँ दोस्तों, अगर ये नियम लागू हो जाएगा ना तब तो सोने पे सुहागा है। तो मतलब उन बच्चों को भी फायदा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा जिन बच्चों ने अभी तक एकेडमिक समझ लीजिए उनकी बिल्कुल जीरो है। अब दोस्तों देखिए, अगर आपके 50% है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, आपको 50% है और आपके संगी के 90% है, तो दोस्तों आप इस 90% वाले बच्चों को पिछाड़ने के लिए आपको 4 गुणांक का बड़ा आंकड़ा पार करना पड़े। तो दोस्तों ये 4 नंबर का 4 नंबर नहीं है, ये 4 गुणांक है। तो दोस्तों इस 4 गुणांक को ओवरटेक करना लगभग नामुमकिन होता है। तो दोस्तों खाली हम एक सब्जेक्ट की बात किए वैसे और इंटर हाई स्कूल सभी में डिफरेंस निकालेंगे तो 10 गुणांक का अगर डिफरेंस एक बार आ गया आप दोनों के बीच में तो उसे पार करना लगभग नामुमकिन सा होगा। तो दोस्तों इसीलिए अगर यूपी टेट प्लस सुपर टेट अगर जोड़ के या आपका जो ये टेट के पेपर है उससे आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाए तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले समय में हर एक बच्चों को। मतलब फिर एक कंपटीशन जो इतना जबरदस्त होगा देखने को, तो मजा भी दोस्तों आप लोग को ज्यादा आएगी, क्योंकि जो बच्चे मेरिट मेंटेन नहीं कर पाए आज तक उनको दोस्तों एक फायदा होगा और हर एक बच्चे को फायदा होगा जो बच्चे पहले से पास आउट हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए सभी को तैयारी करने का समान अवसर दिया जाएगा, समान समय दिया जाएगा, सब कुछ समान रहेगा, लेकिन दोस्तों पेपर लेकिन जबरदस्त होगा फिर उसके बाद, क्योंकि आपको हर एक एक नंबर की वैल्यू हो जाएगी। अभी तक तो दोस्तों आप लोग एक दो नंबर को इग्नोर करते हैं, चलो एक नंबर से क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आपने मेरिट इतनी अच्छी पहले से मेंटेन कर रखी है एकेडमिक तो आपको दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए पहले इस खबर को पढ़ें, आपकी अच्छी खबर को, कि यूपी में कर्मचारियों को 7,000 तक का बोनस, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस व महंगाई भत्ता मिल सकता है। वित्त विभाग ने फाइल तैयार कर ली है, 14.2 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को इस बार बोनस देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक अधिकतम 7,000 रुपये बोनस दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए दोस्तों इसके बाद ये आपकी जो खबर आ रही थी कि आप गांव में रोज लगानी होगी हाजिरी। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खबर भी आप लोगों के लिए कि लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव सेक्रेटरी जरूरत के वक्त नहीं मिलते हैं। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक अक्सर पढ़ाने नहीं पहुंचते, ANM बहन जी भी कभी कभी आती है। आए दिन सामने आने वाली आमजन की इन शिकायतों के स्थायी निराकरण की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। गाँव में सुविधाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े कर्मचारियों की मनमानी ठीक है रोकने, उनकी 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में ही कॉमन अटेंडेंस हाजिरी सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी उठाने वाली सरकारी सारे कर्मचारी यहां रोजाना बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज कराएंगे। केंद्र या राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के विकास के लिए दर्जनों योजनाएं संचालित हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए प्रधान समेत कर्मचारियों की फौज भी तैनात रहती है। सभी के जिम्मे मूलभूत नागरिक जन सुविधाएं ठीक है, मसलन शिक्षा स्वास्थ्य राजस्व समेत कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करना है। बावजूद हालात किसी से छिपे नहीं है, फील्ड कर्मचारियों की मॉनिटरिंग का कारगर सिस्टम न होने से मनमानी हावी रहती है, उसी का नतीजा है जिससे गांव में पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बदहाल है। छोटी छोटी समस्याओं से लेकर लोगों को जिला तहसील और ब्लॉक मुख्यालय दौड़ना होता है ठीक है, समय से आने को बाध्यता। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों स्वास्थ्य और राजस्व कर्मचारी की निगरानी नहीं होती, चेकिंग व्यवस्था है लेकिन मगर उनमें मिली भगत हावी है। शिक्षकों के लिए प्रेरणा ऐप आया वो भी बहानेबाजी की भेंट चढ़ता दिख रहा है। यही देखकर सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कॉमन अटेंडेंस सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। यहाँ शिक्षक ANM लेखपाल कानून को और सरकारी सेवाओं से जुड़े तमाम कर्मचारी रोजाना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनके आप लेख रहे नाम तो लेखपाल, तो दोस्तों अभी हम भी अपने गांव में आए थे और हमें अपने खुद के गांव का लेखपाल का पता नहीं रहा, तो दोस्तों आप उम्मीद लगा सकते हैं कि लेखपाल कैसे काम करते हैं ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, सच्चाई है कि ये सब होते ही कौन है। अगर आप कभी आप लोग एक बार अपने गाँव घूम के आइए, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, हम लोग खुद ही दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, तो हम लोग भी कहें चलो एक बार दौरा करके आते हैं गांव में होता क्या है, तो ये बात सच्चाई है। लेकिन टीचर तो वहाँ दोस्तों हमें दिखे, क्योंकि देखिए टीचर आजकल पढ़ाने के लिए यार कारगर है, क्योंकि उनको पता है कि अब आने वाला समय बदल रहा है तेजी से, क्योंकि दोस्तों जो एक नया नियम है कि 30 बच्चे जहाँ पर होंगे वहां पर एक टीचर रखा जाएगा।
अगर वो टीचर किसी को पढ़ाएगा ही नहीं तो वहां कोई बच्चा ही नहीं आएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, खुद की नौकरी खतरे में होगी। खतरे में दोस्तों मतलब नौकरी से निकाला तो नहीं जाएगा, हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हो जाए दूर। तो अभी अपने गाँव में बैठ कर कमा रहे हो, जहां भी देखिए कोई सेटलमेंट हो जाता तो वो सोचता नहीं है कि हम यहाँ से छोड़कर जाना हो। लेकिन दोस्तों ये सब लेखपाल लोग ये सब जो होते हैं ना, हम खुद के गाँव के दोस्तों बोल रहे हैं, दूसरों का नहीं बोल रहे हैं। आपके गाँव में हो सकता है वो अच्छे हों, लेकिन हम जहाँ गए थे ना तो हमें लेखपाल का कोई अता पता निकला। जहाँ भी दोस्तों मिलते हैं उसके बाद कोई भी काम फ्री में नहीं करते हैं, हर चीज के लिए पैसा, जबकि सब कुछ सरकारी। क्योंकि दोस्तों उनको सैलरी इतनी दी जाती है यार कि उनका घर चल सके, लेकिन पता नहीं उन लोग को क्या होता है कि कितना कमाना है क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें पैसा लेकर ऊपर जाना है, तो हो सकता है यही लेकर जाएंगे लेखपाल लोग। और जो हम अपने गाँव की बात कर रहे हैं, आपके गाँव में हो सकता है बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, फील्ड में घूमने का बहाना बनाकर घर नहीं बैठ पाएंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब नियम जल्दी से लागू होना चाहिए कि यार जब टीचर्स पढ़ाने के लिए निकल रहे हैं तो और भी जो लोग हैं काम नहीं करते उनको भी आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, गांव में हालत बहुत ही बद से बदतर है, सच्चाई बता रहे दोस्तों। हर एक गाँव में अगर आप लोग शहरों में रहते हैं एक बार घूम के आइए, जैसे हम खुद ही बता रहे हैं दोस्तों, हम लोग दिल्ली से निकलते हैं तो कहीं भी घूम के आते हैं गाँव में, क्योंकि हम लोग यार इतना पैसे टैक्स के रूप में पे करते हैं तो उसका फायदा ना तो गाँव वालों को होता है, फायदा उनको होता है जिनको नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन गरीब गरीब ही रहता है। और दोस्तों जो प्रधान लोग होते हैं पैसा पता नहीं क्या करते हैं दोस्तों, हर बार यार अब तो करोड़ों रुपए दोस्तों गांव में भेजे जाते हैं, सड़कें आज भी नहीं बनती, समझ में नहीं आता होता क्या है पैसों का। कि सरकार को दोस्तों या तो पैसे ही नहीं भेजने चाहिए, भेजे तो सही से यूज हो, उसका यूटिलाइज हो 100% दोस्तों। ये थोड़ी ना हो यार कि पूरा पैसा प्रधान खा जाते हैं। और दोस्तों आपने तो देखा ही होगा कितनी योजनाएं हैं दोस्तों जिनका नाम भी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन पैसा आता जाता रहता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन होता है क्या, आप शिकायत करें तो किससे करें, होता है क्या पता है क्या आपको, ये सब पावरफुल लोग होते हैं, सब मिले जुले होते हैं कि आप शिकायत कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, अगर आपको शिकायत किसी के लिए करना है तो सीधे आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और सीधे केस करिए। ठीक है, अगर आप पुलिस के पास जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि वो लोकल पुलिस होती है, आप उनसे लड़ नहीं सकते। और पुलिस की रिस्पेक्ट इज्जत कितनी है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और भी अपडेट के साथ हम लोग मिलेंगे 16 अक्टूबर को, अगली आपकी सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों आपके लिए अच्छी खुशखबरी आई कि 7,000 तक का बोनस मिल रहा है, आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, आप जब नौकरी पाएंगे तो आपको बड़ी हुई सैलरी ही मिलेगी। तो दोस्तों 10 अक्टूबर 2019 कितनी अपडेट थी, और बाकी के अपडेट दोस्तों आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन वेतन का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, ऐसे निकाल सकते हैं जो आपका बेसिक पे हो दोस्तों उसको यहाँ पर रख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं 40,000 रुपए, 40,000 का दोस्तों 17% निकालेंगे, जो भी आएगा 6,000 समथिंग प्लस HRS दोस्तों जो मिलता होगा, और यहाँ से -87 घटा देंगे, इसको घटाने के बाद जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपकी फाइनल सैलरी होगी। ठीक है, तो कुछ सैलरी दोस्तों आपकी बड़ी है तो अच्छी बात है, और पार्टी करिए दोस्तों, दिवाली आ रही है अभी से, आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए।